नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। ग्राम डिडोली में पटवारी की साठगांठ से हो रहा अवैध उत्खनन। कई बीघा सरकारी जमीन में जेसीबी मशीनों द्वारा करोड़ों की मुरम का हो रहा अवैध उत्खनन। अवगत कराने के बाद भी पटवारी ने नहीं की कोई कार्यवाही। शासन को लग रही है लाखों रुपए की चपत। करोड़ों के राजस्व का हुआ घोटाला। जी हां, ग्राम मुरादपुर मार्ग पर डिंडौली में करीब 10 बीघा जमीन पर जेसीबी द्वारा प्रतिदिन रात्रि काल में मुरम का अवैध उत्खनन हो रहा है। अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन करोड़ों रुपए की मुरम यहां से खोदी जा चुकी है। जब गत रात्रि अवैध उत्खनन की जानकारी स्थानीय पटवारी को दी गई, तब पटवारी ने उत्खनन की खबर को सिरे से नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और जबकि जिले के कलेक्टर महोदय अवैध उत्खनन की सूचना स्थानीय स्तर के अधिकारियों को देने की बोलते हैं। अब ऐसे में अगर जिम्मेदार ही कार्रवाई ना करें और साठगांठ से मुरम का उत्खनन कराएं, तो कोई किससे शिकायत करे। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। कहना ये नहीं, पटवारी कहना ये तो गलत है। हम खुद देख के आए हैं, डिंडौली में बड़े पैमाने पे जो खुदाई हुई है, कानून जो है वहाँ गड्ढे बता रहे हैं। अब उससे रिपोर्ट मांगी गई है पटवारी से, खाते की एक शासकीय है, तो शायद वो बता रहा है कि मैंने गढ़वाल साहब को दी है और SDM साहब को नहीं दी है। सर, हाँ, यदि रिपोर्ट नहीं दी है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो है, अगर ऐसा पाया जाएगा।